आज मैं सूखा खोबरा बनाने जा रही हूँ कोंकणी स्टाइल में, सूखा भुना हुआ खोबरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने सूखा खोबरा ली हूँ, इसको 2 घंटे धूप में अच्छे से सूखा कर इसको मैंने ले ली हूँ। ये 300 ग्राम है और नमक है 1/2 चम्मच। खोबरे की पाउडर बनाने के लिए हमको ये इसको पहले कट करके लेना पड़ेगा। इसे पूरे इसको मैं कट करके लूँगी छुरी की मदद से। ऐसे टुकड़े करने होते हैं और इसको मैं गैस पे छुरी की मदद से ऐसा इसको अच्छे से भून के लूँगी। ज़्यादा भी जलाना नहीं है, ये तो फिर कुछ भी तरकारी वगैरह में डालते हैं ना गोश्त में तो काला पड़ जाता है, तो ज़्यादा जलाना नहीं है। सिर्फ हमको थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसको भून लेना है। ऐसा नहीं होता होगा, इसको आप कट करके भी ले सकते हैं ऐसा, तो इससे और आसानी हो जाती है भुनने में, तो अच्छे से भुन जाता है। ऐसे ही सब भून के लेंगे। 3 भी इस पे डाल के ऐसा भून के ले सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, गैस बंद कर रही हूँ, सब हो चुके हैं। मैं सब खोबरा भून के ली हूँ। पर मैंने किसने ली हूँ, अब चाहे तो छुरी से भी कर सकते हैं, हाथ संभाल के ये लग जाता है। इससे पतले पतले काटने से मिक्सर में भी अच्छा बारीक पीस जाता है। इसका बच जाएगा तो फिर आप इसको खींचना नहीं, छुरी से कट करके लेना, तो हाथ कट जाता है। इससे संभाल के ऐसे ही करती हूँ, इसको थोड़ा सा लास्ट का बच जाएगा टुकड़ा छोटा, मैं छुरी से कट करती हूँ। सब ऐसे ही खींच के लेंगे, फिर आपको बताती हूँ। और मैं ऐसे खोबरे के टुकड़े अक्के अक्के रख के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे चक्की पे गाँव में देते हैं, 1-2 किलो ज़्यादा रहता है ना खोबरा, तो शादी वगैरह का नियाज का वगैरह होता है तो गाँव में इसे चक्की पर ही देते। मूसर की चक्की आती ना जामा मसाला हल्दी का, हल्दी वगैरह बनाई जाती है तो वहीं पे देते हैं। फिर उसमें नमक वगैरह ऐड करके उसको पहले छन्नी से छान के, चक्की का होता है तो छन्नी से छान के लेना पड़ता है, तो बारीक बच जाता है नीचे का बारीक जो आता है वो, उसमें नमक ऐड करके डब्बे में भर के रखते हैं। से और छुरी से मैंने देख सकते हैं, मैंने इसको कट करके लिया और जो टुकड़े बचे हुए थे ऐसे वाले जो मैं छुरी से इसको कट करके ली हूँ। ऐसा ये साइड से अगर कभी ज़्यादा जल जाता है तो तुम थोड़ा सा हाथ की मदद से ऐसे छुरी की मदद से उसको थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं। डालने से हंडी काली पड़ जाती है, कुछ पकाते हैं हम सब्ज़ी तो उसमें सब काला पड़ जाता है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा सा भून लेना है इसको। ऐसा कट करके इसको मैं इसको मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल के मैं ग्राइंड करके लूँगी। अगर मैं मिक्सर का जार ली हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं प्लेट में निकाल के ली हूँ ताकि मेरे को गिंडी में पिसा हुआ ओतने का है, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पीस के लूँगी। देख सकते हैं मैं इसमें पीस के ली हूँ इसको, इतना बारीक पीसना है, एकदम अच्छा बारीक पीस के लेना है इसको। ऐसे ही सब मैं पीस के लेती हूँ, ये सब मेरा पीस के हो चुका है। ये है, ये भी निकाल के ले रही हूँ मिक्सर का। थोड़ा थोड़ा डाल के पीस के लेंगे अच्छे से, ये तो बारीक पीसे नहीं जाता है ज़्यादा डालने से, अब ज़्यादा भी बना के रख सकते इसको, 1-1.5 महीना अच्छा रहता है, 1-2 महीना अच्छा रहता है नमक डाल के रखने से ख़राब नहीं होता। मैंने पिसा हुआ खोबरा मैंने सर्व की हूँ, देख सकते हैं आप। इसको ठंडा होने के बाद में ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में रख सकते हैं आप, या तो बाहर रख सकते हैं, क्योंकि नमक है इसमें ख़राब बिल्कुल नहीं होगा 1 महीना तक। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर तो ज़रूर करना।
अल्लाह हाफिज़।